तो वहीं बागपत में 7 साल के लापता बच्चे शौर्य से जुड़े मामलों में पुलिस ने बड़ी घोषणा की है। पुलिस ने शौर्य की सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 का इनाम देने की बात भी कही है। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी को गोपनीय भी रखा जाएगा, ये भी बात की गई। बता दें कि शौर्य 15 दिसंबर की शाम संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुआ था। 3 दिन बीत जाने पर भी अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। हालांकि उसकी खोज के लिए पुलिस ने 3 दिनों से जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के फखरपुर गांव का है।